बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा में उपाध्यक्ष पर टिप्पणी करने पर सपा अध्यक्ष आजम खान की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें संसद ही नहीं बल्कि समस्त महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। तीन तलाक के रोक लगाने वाले प्रधान पर चर्चा के समय रामा देवी पर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने पर भाजपा के विधायकों ने आपत्ति जताई। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर आपत्ति जताई और आजम खान की निंदा करते हुए ट्वीट किया कि यूपी से सपा सांसद श्री आजम खान द्वारा लोकसभा के पीठासीन महिला के खिलाफ जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह महिला गरिमा व सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है तथा अति निंदनीय है। इसके लिए उन्हें संसद ही नहीं बल्कि समस्त महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुस्लिम महिला विधेयक के विवाह अधिकार संरक्षण 2019 पर हो रही चर्चा के दौरान आजम खान को आसन की ओर देखकर बोलने के लिए कहा गया जाने पर उन्होंने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।